गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई टीच यू क्लास वन सब्जेक्ट साइंस लेसन नाइन टॉपिक सेफ्टी फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, आज हम क्लास वन में साइंस पढ़ेंगे और मेरा चैप्टर है आज का सेफ्टी फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे कि सेफ्टी फर्स्ट क्या है। वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स टू फॉलो ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स ऑन द बस, सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट होम और सेफ्टी रूल्स टू फॉलो इन द प्ले ग्राउंड एंड स्विमिंग पूल। ओके स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है कि सेफ्टी रूल्स रोड पे, बस में और घर में, प्ले ग्राउंड में और स्विमिंग पूल में हम किस तरह से करते हैं, इसी के सब्जेक्ट बारे में आज हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट, डू यू रिमेम्बर द नर्सरी राइम्स ऑफ ट्रैफिक लाइट, रिसाइट इन इट इन द क्लास। और इसमें क्या कर रहा है कि यह ट्रैफिक लाइट है, इसको आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसमें कलर करने के बाद नीचे हम पढ़ते हैं, सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, हम सावधानी अगर बरतते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। टू अवॉइड गेटिंग हर्ट एट होम, इन स्कूल और आउटसाइड, वी मस्ट बी केयरफुल एंड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। लेटर्स लर्न सम सेफ्टी रूल्स। तो आपने पढ़ा कि सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, हमें सावधानी से अगर हम रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अवॉइड गेटिंग हर्ट एट होम, है ना, तो किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में, स्कूल में और आउटसाइड इनसाइड केयर सेफ्टी रूल्स को हम किस तरह से पालन करेंगे, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट एट ऑल, वन ऑफ द रोड, ऑन द रोड, सबसे पहले कि हम रोड पे चलते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां को बरतनी चाहिए। तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें रोड पर जब निकलते हैं घर से बाहर तो हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फ्रॉम वेयर वी कैन सी द ट्रैफिक कमिंग टुवर्ड, है ना, कहता है रोड पर चलने से पहले हमें चलते हैं तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। और इफ नो फुटपाथ, जहाँ फुटपाथ नहीं है वहाँ वॉक ऑन साइड ऑफ द रोड, और जहाँ फुटपाथ नहीं है उस जगह पर हमें रोड के किनारे चलना चाहिए। फ्रॉम वेयर यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग टुवर्ड यू, और हमें उधर से आने जाने वाली गाड़ी को भी देखते रहना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, हमें कभी रोड पर दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक लाइट फ्रॉम पेड स्ट्रीट इज ग्रीन। क्या कर रहा है, वी मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन तब जब हम ट्रैफिक लाइट को देखेंगे और देखेंगे कि उसका सिग्नल जो है वह ग्रीन हो गया है तब हम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे। व्हेन क्रॉसिंग फर्स्ट लुक एट अप लेफ्ट बिफोर राइट देन लेफ्ट अगेन टू बी श्योर दैट देयर इज नो व्हीकल्स कमिंग, जब हमें रोड क्रॉस करना रहता है तो सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान देंगे कि पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे फिर राइट में देखेंगे और लेफ्ट अगेन फिर से हम लेफ्ट में देखेंगे कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और इस तरह से सावधान होकर के हम रोड क्रॉस करेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है इन द प्ले ग्राउंड, वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विमिंग, स्विम, वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विम, डू नॉट स्टैंड एंड स्विम और स्टैंड टू क्लोज द स्विम, डू नॉट फाइट व्हाइल प्लेइंग। क्या कर रहा है कि
wait for you, turn on the swing. Do not stand and swing out. जहाँ पर बच्चे झूले झूल रहे होते हैं वहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, और वहाँ पर पहले से जो कोई बच्चा झूला पर झूल रहा है तो हमें वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, और हमें उस दरमियान किसी से क्या करना है, फाइट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. ओके बच्चों, तो इन द प्ले ग्राउंड में क्या क्या नियम्स है उसको हम पालन करते हैं. उसके बाद हो गया प्लेग्राउंड और रोड. उसके बाद है बस. ऑन द बस फ्रॉम ए क्यू व्हाइल बोर्डिंग ए बस वेट फॉर द बस टू स्टॉप कम्प्लीटली बिफोर यू गेट इन और गेट ऑफ. क्या कह रहा है कि जब हमें बस पे चढ़ना होता है तो हमें अपने लाइन में खड़े रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि जब तक बस पूरी तरह से ना रुक जाए तब तक हम उस पर न चढ़ेंगे और न उतरेंगे. डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट द मूविंग बस. और जब हम बस में बैठते हैं तो कभी भी हमें अपने हाथ और सर को बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए. ओके फ्रेंड, डू नॉट प्ले इन द मूविंग बस. और चलते हुए बस में हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. और ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एट होम डू नॉट प्ले विद फायर और शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंड सीजर. हमें कभी भी तेज धार वस्तु से नहीं खेलना चाहिए, है ना. डू नॉट ओपन द डोर टू एनी वन होम यू डू नॉट नो टेल योर पेरेंट्स और एल्डर्स. डू नॉट ओपन द डोर. कभी भी हमें अपने दरवाजा को नहीं खोलना चाहिए जब तक कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े इस चीज़ की हमें अनुमति ना दे, वो हमें ना कहे. ओके फ्रेंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग ओनली व्हेन एन एडल्ट इज प्रेजेंट. हमें स्विमिंग करना चाहिए कब, जब हमसे बड़े वाले, हमसे बड़े आदमी वहाँ, मतलब एडल्ट जो बड़ा है वह वहाँ पर प्रेजेंट हो. यूज ए स्विमिंग ट्यूब और आर्म फ्लोट इफ यू कैन नॉट स्विम वेल. ओके, डू नॉट गो इन टू द डीप इन द पूल. और क्या कहता है, स्विमिंग करने के लिए हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए और हमें कभी भी गहरे पानी में नहीं जानी चाहिए. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपने क्या क्या रूल्स है इसको पढ़ा है. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट, बाय.